गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड दैट इज टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और उसका टॉपिक पढ़ेंगे प्रिमिटिव प्लांट राइनिया या फॉसिल प्लांट राइनिया। अब सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन या इसका क्लासिफिकेशन। डिवीजन टेरिडोफाइटा, क्लास साइलोफाइटोप्सिडा, ऑर्डर साइलोफाइटेल्स, फैमिली राइनेसी और जीनस राइनिया। ये टेरिडोफाइटा का फॉसिल प्लांट है जो कि सबसे प्रिमिटिव होता है। इसकी दो स्पीशीज हैं, राइनिया मेजर और राइनिया ग्वेनेवाजिनी। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किंस्टन एंड लैंग 1913 द्वारा हुई थी। फॉसिल प्लांट है ये। फॉसिल का मीनिंग आप लोग जानते हो, वो प्लांट्स जो कि अब विलुप्त हो गए हैं, जो कि अब प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ये प्लांट हर्बेशियस और स्पोरोफिटिक प्लांट है जो कि अंडरग्राउंड, राइजोम और एरियल शूट में विभेदित है। इसके राइजोम के निचले भाग से, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सिंगल सेल्ड राइजोइड्स के गुच्छे कहीं कहीं पर प्रेजेंट है और इन्हीं राइजोम से एरियल शूट्स निकलती हैं जो कि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इन एरियल शूट्स पर लीव्स एब्सेंट होती हैं, यानी लीव्स नहीं होती, लेकिन राइनिया ग्वेनेवाजिनी जो है उसमें जो एरियल शूट्स हैं उसके ऊपर कुछ आउटग्रोथ्स दिखाई देती हैं। इन एरियल शूट्स की जो ब्रांचेज हैं उनकी टिप्स जो होती है वो पॉइंटेड होती है और उसके ऊपर एपिकल स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, यानी स्पोरेंजिया सिंगली प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट्स 20 सेंटीमीटर या 40-50 सेंटीमीटर तक इनकी साइज होती है। अब हम पढ़ेंगे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ऑफ स्टेम। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे बाहर की तरफ अगर हम स्टेम का सेक्शन काटें, टीएस काटें, तो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस दिखाई देती है जो कि कॉम्पैक्ट सेल्स की बनी है और उस पर क्यूटिकल प्रेजेंट है, यानी क्यूटिकल इसको कवर्ड किए रखती है। इसमें कहीं कहीं पर स्टोमेटास प्रेजेंट है। उसके बाद है कॉर्टेक्स। उसके अंदर की तरफ आप देख रहे हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स बड़ा होता है और 1-4 लेयर्ड होता है। यह एपिडर्मिस बनाता है। इसकी सेल्स जो होती है वो कंपैरेटिवली बड़ी होती हैं। इनर कॉर्टेक्स जो है उसमें बड़े बड़े इंटरसेल्युलर स्पेसेस पाए जाते हैं और ये पैरेन्काइमाटस सेल्स का बना होता है जिसमें क्लोरेन्काइमा भी प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में स्टील प्रेजेंट है, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं। यहाँ पर प्रोटोस्टील होता है, यानी सेंटर में जाइलम और उसके चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। अब हम पढ़ेंगे
पोरेंजिया। जैसा कि मैंने आपको बताया एरियल शूट्स के टिप पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं और ये ओवल शेप या सिलेंड्रिकल होते हैं। अब अगर हम इसका एलएस काटें, इसका सेक्शन देखें, तो हम देखते हैं कि इसकी जो वॉल है वो मल्टीलेयर्ड होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसकी सेल्स जो होती है वो काफ़ी मोटी होती है, जबकि अंदर वाली लेयर जो है उसकी सेल्स जो होती है वो थिन वॉल्ड होती है। ये होमोस्पोरस होता है, यानी इसमें सभी स्पोर्स एक समान होते हैं। तो स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सभी स्पोर्स एक समान होते हैं और ये टेट्रार्ड्स में प्रेजेंट रहते हैं। इसे हमने फॉसिल प्लांट है, ये फॉसिल के रूप में प्रेजेंट रहता है। और क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये सबसे प्रिमिटिव प्लांट है, क्योंकि इसके कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है जिसके बेसिस पर इसको सबसे प्रिमिटिव प्लांट माना गया है। पहला, ये स्पोरोफाइट प्लांट है जिसका की स्ट्रक्चर एकदम सिंपल होता है। दूसरा, स्पोरोफाइट रूटलेस होता है। तीसरा, सबटेरेन राइजोम यानी भूमिगत प्रकंद और एरियल शूट्स प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ, स्टेम जो होता है वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। फिफ्थ, प्रोटोस्टील प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर सिस्टम में प्रोटोस्टील प्रेजेंट होता है। सिक्स्थ, इसकी जो शूट्स जो होती हैं वो लीफलेस होती हैं, यानी लीव्स प्रेजेंट नहीं होती। एंड द लास्ट, इसकी जो एरियल ब्रांचेस होती हैं उसके टिप पर सिंगल टर्मिनल स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये सबसे प्रिमिटिव फॉसिल टेरिडोफाइट प्लांट है। थैंक यू।